नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। फर्रुखाबाद पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस के प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस को विश्व हिंदू महासंघ कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर, जिसमें सलमान खुर्शीद के द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी का बाप कहने के खिलाफ कार्यवाही का जिक्र किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। जो आपने बताया था कि मैं योगी जी का बाप हूँ, तो उस बात को लेकर अमित शाह ने जो है उस पर तंज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो बटाला हाउस था, तो उसमें जो है कि आतंकियों के साथ में जो वहाँ पर सोनिया गांधी जी गई थी, तो उनके आतंकियों के साथ पे वो रोई थी वहाँ पे जाके। तो इस पर क्या कहना है? जो मैंने बात कही उसका जवाब दें कि मैं बाप हूँ कि नहीं, इसका जवाब नहीं देते। ये बात क्यों पूछ रहे हैं? और फिर उन्होंने जाकर क्या साठ काट की है इमरान खान से? इमरान खान कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर होना चाहिए। पहले इस सब का जवाब दें, बटाके चलाऊंगा। उनका क्या संबंध है इमरान खान से, और इमरान खान से वो क्या बोल कर आए हैं, और क्या वो साठगांठ करके भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए तैयार है? ये मैंने पूछा है, इसका जवाब पहले दे और सारे जवाब हम दें। सर, अमित शाह सीधा सीधा अटैक आपके ऊपर कर रहे हैं कि वो बहस करने लायक ही नहीं है। बहस करने लायक नहीं है इस तरह इसकी बातें? अमित शाह कह रहे हैं कि बहस नहीं कर पाएंगे वो हमसे, इस तरह की बातें आप नहीं कर पाएंगे। वो आप जज करना, वो आ जाएं और फिर आप जज करना कि बहस होगी कि नहीं, हो पाएगी कि नहीं। वो पहले आ जाएं, देखिए वो आ जाएं, खड़े हो जाएं। कहाँ खड़े होना चाहते हैं बता दें, अगर वो खड़े हो सकते हैं तो वो खड़े हो जाएं, मैं उनसे बहस करूंगा। आप तय कर देना बहस कौन जीता। नहीं, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है वहाँ पर गई थी और जो है आतंकियों शहादत पर रोई थी, और जो वहाँ पर एक ऑफिसर मारा गया तो उसके लिए कोई भी कमेंट नहीं किया था। कमेंट क्यों किया था? उसको मार्टर कहा, उसको शहीद कहा, उसको पुरस्कार दिया, उसको एक पुरस्कार मिला। अमित शाह ने नहीं दिया था, हमारी सरकार ने दिया था। अमित शाह जो बोले वो सच बोले, और सच की सेवा कुछ ना बोले, और वो जो बोलते हैं वो झूठ होता है, और वो झूठ की सेवा कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बहस करें। नहीं, उनका ये है कि वो सोनिया गांधी जी उस पर क्यों रोई थी, मतलब जो आतंकवादी शहीद हुए। उन्होंने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा सोनिया को रोते हुए। मैंने ये कहा कि कहां आतंकवाद पर, क्या आतंकवाद हो या किसी का अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो या मौत हो, उस पर कोई अगर थोड़ा सा संवेदनशीलता से ये कहता है कि मुझे ये मत दिखाओ, इसको इसकी इसकी कार्य इसकी इसका कार्य जो है वो सरकार को करने दो और पुलिस को करने दो, तो उसको रोना कहते हैं। अगर उसको वो रोना कहते हैं तो अभी वो समझ जाए, रुक जाए, वो अभी बहुत रोएंगे। तो कहावत है कि चाची अभी बहुत रोएगी, अमित शाह अभी बहुत रोएंगे। सर, एक सवाल और है। कल प्रधानमंत्री ने जो है राजस्थान में एक बड़ा बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर बम हमारे पास है, अगर जरा भी पाकिस्तान ने हिमाकत की तो वो हम छोड़ेंगे। भाई दूसरी तरफ उत्तर जम्मू कश्मीर की जो महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम है सर, वो जो है उन्होंने कहा है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर बम है तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की स्पोक पर्सन है महबूबा मुफ्ती? नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, उसी को पाकिस्तान भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये कैसी धमकी है कि वो जिसको धमकी दे रहा है वही उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, तो कैसी धमकी है? क्या मामला हुआ आज? जो ये मामला जो फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब ने हमारे संत गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बयान दिया कि हम उनके बाप हैं, इससे संत समाज और हिंदू समाज बहुत आहत हुआ है। किस बात को लेके ये बोला गया है कि हम उनके बाप हैं? कोई तो यही उनसे पूछना चाहते नहीं तो हैं। आपको कोई जानकारी होगी कि क्या वजह हुई इसलिए उन्होंने इस बात को टिप्पणी किया? और मुख्यमंत्री उन्होंने किया है कि कोई वजह ही नहीं हो सकती, इसकी कोई कौन किसी का बाप हो सकता है? फिर हिंदू समाज में संत जो कोई संत बनता है तब वो सारे रिश्ते नाते जाति धर्म त्याग लेता है, उसका ना कोई बाप होता है ना माता, सब सारे रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं। संत का काम क्या होता है? समाज को दिशा दिखाना। तो किस जगह बैठे हैं, वहाँ से क्या दिशा निर्देश जारी करते हैं? बिल्कुल समाज को दिशा दे रहे हैं। क्या जैसे पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं? जैसे एक नाम दो चार नाम बताएं, किस चीज का विकास लेके कर रहे हैं? देश में आवारा जानवरों की इतनी समस्या थी, हर गांव में अस्थाई गौशालाएं खुलवाई उन्होंने, सारे पशुओं को वहां पे 600 करोड़ स्थापित किया,
जिससे गौशाला खुली है उसमें लाखों गोमांसों की मौत हो रही है। कभी आप लोगों ने इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बता जी, इसमें बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं लेकिन जानवरों की स्थिति इतनी खराब थी, भूखे प्यासे बीमार भी थे पहले के, अब शासन उसमें पूरा सहयोग कर रहा है। डॉक्टर क्या शासन सहयोग कर रहा है कि कभी एक बोरी की 50 गांवों को एक बोरी दाना भेज देते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते, ना चारे की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल प्रॉपर सब मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है जरा भाई थोड़ा पीछे? हमने कल ही आप यहाँ देख सकते हैं बिजादरपुर में एक स्थायी गौशाला बनी हुई, वहाँ करीब 60-70 गाय हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रधान ने। कटरी धर्मपुर में जो जिले का सबसे टॉप गौशाला है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं ऐसी दिखी कि नया गौशाला? अरे सर, फरुखाबाद में आपका पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, किस बात को लेकर दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? ये भाजपा के मीडिया सेल प्रभारी हैं सौरभ शुक्ला, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी के तहत फरुखाबाद कोतवाली के अंतर्गत NCR नंबर 90/19 है जो कि 171G चुनाव के संबंध में और 298 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। मतलब किस बयान को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है? सलमान खुर्शीद जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, उसी संबंध में पंजीकृत किया गया था।